तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इन द फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3 पॉइंट सी। ओके, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमको क्या गिवन है, मतलब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो गिवन हमें एक एंगल दिया गया है पी ओ वाई जो 90 डिग्री है। ठीक है, पी ओ ये वो है, ये वाई है, तो पी ओ वाई हमारा है 90 डिग्री। ओके, दूसरा हमको रेशो दिया गया है, ये जो ए और बी मिलकर एंगल बना रहे हैं तो उन एंगल को ए और बी के रेशो में डिवाइड किया गया है 2:3। ठीक है, तो रेशो है एंगल ए और बी का 2:3। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल सी, सी निकालना है हमें। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम लिखते हैं यहाँ पर एज ओ एक्स एंड ओ वाई आर ऑपोजिट रेज। ऑपोजिट रेज देयरफॉर एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखो तीन एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम ओ एक्स, एम ओ एक्स प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई। तो इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, तो आप यहाँ ब्रैकेट में उसका रीजन बताएंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीनों एंगल्स का जो सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। पर हमको यहाँ पर अब एम ओ एक्स की जगह हम इनके नाम लिख देते हैं। जैसे एम ओ एक्स क्या था, एम ओ एक्स था बी, एम ओ पी है हमारा ए, और पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है। तो इन सब का सम 180 डिग्री हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, जिससे इन दोनों का जो सम होगा, जो इन दोनों का सम होगा वो 90 डिग्री होगा। तो मतलब ए और बी मिलाकर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको रेशो दिया गया है। देखिए हमें क्या रेशो दिया गया था, सिंस एंगल ए रेशो एंगल बी इज इक्वल टू 2:3, मतलब ये 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कभी भी जब रेशो निकालते हैं तो रेशो हम कैसे निकालते हैं, ऊपर हम रेशो लिखते हैं, नीचे सम ऑफ रेशो लिखते हैं, सम ऑफ रेशो। ठीक है, जब भी रेशो निकालना होता है तो हम एंगल ए निकालते हैं पहले, एंगल ए। तो देखिए एंगल ए कितना था, 2, सम ऑफ रेशो कितना है, 5, और किसके पार्ट्स हैं, 90 के। तो आप इसको काटेंगे 18 × 2 36, तो एंगल ए आपका 36 डिग्री आ गया। फिर ऐसे हम एंगल बी फाइंड आउट करते हैं, एंगल बी, तो एंगल बी है हमारा 3/5 × 90 18 × 3 54। ठीक है, तो एंगल ए हमारा 36 हो गया, एंगल बी हमारा 54 हो गया। अब हमें एंगल सी निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि एंगल सी, अगर आप देखेंगे तो एंगल
सी की ये जो लाइन है MON ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमको एंगल बी मिल चुका है, तो हमको एंगल सी निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एज ओ एक्स इज अ रे ऑन लाइन MON। ठीक है, तो इन दोनों का सम, किसका सम, NOX प्लस MOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ये देखिए हमने अभी लिखा है NOX और MOX, ये एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास B तो है, हम C को निकाल लेंगे 180 से लेस करके। तो हम अब यहां लिखेंगे NOX की जगह में लिखेंगे C, एंगल C, और MOX हमें मालूम है, MOX हमारा 54 है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो एंगल सी आप निकालेंगे, वन एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, अब माइनस करेंगे तो ये 126 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप आंसर बताएंगे, दस एंगल सी इज 126 डिग्री। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया।